तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे, ये दिल हो गया है तेरा। तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ढेंगा, यूं ही फैंटेसी ना बना। तू बेकार ताके शक्ल देख जाके जरा खैर अपनी मना। मैं तेरा रोमियो, अब्बा तो कह रहे थे हीर की अब शादी कर देते हैं, मैंने मना कर दिया। जब तक MBA नहीं होगा शादी नहीं करूंगी, चाहे कोई रांझा ही मिल जाए, और ये तो तय है। इतना ठंडा पानी फेंक दिया, ऊपर से कैंपस का पानी इतना गीला भी होता है। छोड़ यार, भूख लगी है, कैंटीन चलते हैं। भई जैसे प्रोफेसर को दूसरी क्लास होती है तुझे भूख क्यों लगती है? मेरे लिए चिकन बर्गर और रोमियो के लिए जीरो कैलोरीज वाला बर्गर। जीरो कैलोरीज वाला बर्गर? ये कौन सा बर्गर होता है? ये वो बर्गर होता है जिसे खाऊंगा मैं, बिल तू देगा, उसे कहते हैं जीरो कैलोरीज वाला बर्गर। चुप जाओ फरियाल की। शुक्र है चली गई यार, जितनी सर्जरीज इसने कराई है माइकल जैक्सन ने भी नहीं कराई होंगी। चली गई, बोल बोल। हाँ हाँ शुक्र है चली गई। फरियाद। हाँ चली गई, हाँ वो चली गई। कौन चली गई? चली गई लाइट, चली गई लाइट, चली गई लाइट। हाँ ओके, जस्ट लीव इट। टेल मी कि मैं कैसी लग रही हूँ? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ वो प्रोफेसर कुद्दूस की क्लास है ना? लेकिन वो तो चले। चले। ये चलना पड़ेगा यार। इस रोमियो को मैं छोड़ूंगी नहीं।
इसने मुझ पे पानी करा है ना, मैं इससे पानी पानी कर दूंगी। हीरू में हीर हो सकते गलती से गिर गया हूँ। अच्छा हमारे कॉलेज में कितनी लड़कियां हैं? 950। गलती से उन पर नहीं गिरा। हमारी क्लास में कितनी लड़कियां हैं? 33। गलती से उन पर नहीं गिरा। गलती से तुम पर नहीं गिरा। गलती से चश्माटू पर नहीं गिरा। ये टारगेट वाटरिंग थी। उसने हीर का चाचा बनने की कोशिश की है ना, पता जो मैं सुनू को साला। चलो चलो चलो, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा मूड सत्यानाश करके चुप करके बैठ गई है। हाँ बताऊंगी मैं सारा। अब तो मेरा पढ़ाई करने का मूड नहीं रहेगा और मेरी कंप्लीट जाए तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। प्रोफेसर कुतुस पकड़ो पकड़ो, मैं उनसे बात करती हूँ। पकड़ो। सर सर सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। वो मैं आपको बताना चाहती थी कि कॉलेज के लड़के ना छुपकर लड़कियों पर पानी फेंक रहे हैं। वैसे सर ये आपके लिए बड़ी शर्म का मुकाम है। जी मेरे कहने का मतलब है कि उनके लिए शर्म का मुकाम है ये। ए यू, हाथ आगे करो। ये क्या है? ओ इसका मतलब ये है कि तुम भी उन लड़कों में शामिल हो जो पानी का खेल खेल रहे। सर वो मैं तो ऐसे ही। Shut up, come with me. चलो मैं इस रोमियो को मैं छोड़ूंगी नहीं। ये तुम दोनों आपस में क्या इशारे कर रहे हो? वो तुम एक्चुअली आज ब्यूटीफुल बहुत लग रही हो, बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। थैंक। पता है मैंने अपने कान भी बड़े करा रही हूँ। रियली? तुम पे बड़े कान बहुत सूट करते हैं। फरियाद क्लासरूम आ गया ना, तुम एक काम करो आज तुम पहले अंदर जाओ, क्योंकि तुम तो जितना भी लेट हो जाओ सर तुम्हें कुछ नहीं कहते, हमें बहुत डांटते हैं। हाँ ये तो है, मैं जा रही हूँ। छोटू वापस क्यों ले जा रहे हो? नहीं ना वो यहाँ आप लोग थे नहीं, इसलिए मैं वापस ले जा रहा था। अच्छा हम यहाँ नहीं थे। रोमियो तुम यहाँ नहीं हो? ओए यहाँ बैठे हो तुम? तुझे क्या लगा मैं चुप कर जाऊंगी? चुप तो मैं उस वक्त नहीं होती जब मेरे दाढ़ में दर्द होता है, मुझसे पानी गिराता है। मैंने पानी नहीं फेंका, तुम्हें बता रहा हूँ मैं तुम्हें। रुको जाते किधर हो? हाँ रोमियो ने पानी नहीं फेंका, सुनो तो। क्या मैं सुनी सुनाई पे नहीं जाती? मैंने खुद अपनी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ पानी मत फेंका, मुझे फ्लू हो जाएगा। बेटा मतलब तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। मेरी कजन ने मुझे साइकिल से टक्कर मारी थी, मैंने 6 महीने लगा के उसी तरह साइकिल सीखी और उसी तरह उसे टक्कर मारी। मुझसे टक्कर लेते हो तुम? हीर मुझे पानी मत फेंकना प्लीज, ये अनहजारे के प्लीज हीर। अच्छा तुम्हारे लिए मिनरल वाटर लाऊं? बाथरूम का है। ये क्या किया तुमने? पानी फेंका तुम पर। आइंदा मुझसे पंगा मत लेना। भीड़ से पंगा नॉट चंगा। मामा बाबा, रोमियो भाई कब से वाइब्रेशन पे लगा हुआ है?
रोमियो ये क्या हो रहा है? ये तो सर्दी से कांप रहा है, कैसे डेंगू तो नहीं हो गया? प्रोफेसर साहब आपसे कहा था कि डेंगू का स्प्रे करवाएं। रोमियो पे किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया है। ओहो प्रोफेसर साहबा मेरे ख्याल में दवाइयां लिख देनी चाहिए। इतनी सारी दवाइयां? ये लिस्ट है टेस्टों की, पहले टेस्ट होंगे फिर दवाइयां। क्या पता उस पानी में हेपेटाइटिस का वायरस ना हो। फरीद इधर आओ और ब्लड सैंपल लो। क्या? मैं टीका नहीं लगवाऊंगा। चल ब्लड लो इसका। नहीं रोमियो 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 अफलातून तो यहाँ कितनी बार कहा है कि दवाखाने पर आया कर। कब से कह रही हूँ उसे दवाखाने चले जा, अब्बा जी ने खाना खाने आना है। सुनता कहा है मेरी है लेकिन। ला तौलिया दे। तौलिया दे अब्बा जी को। अफलातून तौलिया दे अब्बा जी को। ये तौलिया क्या है? ये हर वक्त मोबाइल में घुसा रहता है। ला दे इधर। अब्बा बिल ले का है? तू जा दुकान पे जाके बैठ, मैं आके फिर देता हूँ। भाई आज से ले आना और अपनी याददाश्त वाली माजून कभी खुद भी खा लिया करें। चल जा। इरशाद खाना दे मुझे। हीर की माँ सुनती हो? हाँ हाँ सुनती क्यों नहीं भला, कान ठीक है मेरे। भाई खाने में अदरक डाल लिया करो, उसकी तासीर बहुत अच्छी होती है। और अगर वो कलवंजी वाले नान मंगवा लेती तो? अफलातून को कह कह के थक जाती हूँ, सुनता कहाँ है। मुझे मिस कॉल दे देती, मैं भिजवा देता। हाय अभी मैं ही उम्र है मिस कॉल देने की। सलाम अम्मा। वालेकुम सलाम। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। अब्बा आप यहाँ हैं तो फिर दवा खाने पर कौन है? अफलातून है, क्यों? अच्छा बड़ा रश लगा हुआ था, वहीं से तो गुजर कर आ रही हूँ। अच्छा मेरे बेटे के हाथ में है ही बड़ी बरकत, रश लगा दिया ना। मैं देखता हूँ पता नहीं कोई और चांद न चढ़ा दिया उसने। ये क्या हो रहा है, क्या तमाशा लगा रखा है? अब्बा मैंने बाबे से शर्त लगाई थी 1000 रुपए की। शर्त? हाँ अब्बा कि मुरब्बे का पूरा मर्दवान पहले कौन खाएगा, मैं जीत गया सर अब्बा पूरे 1000 रुपए की। 1000 के लिए 10000 का मुरब्बा उसे खिलाया, 10000 का खुद खा लिया है? ये क्या अब्बा 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 मार क्यों रहे हो? जीत तो गया हूँ उल्लू के पट्टे, मैंने तुम्हें यहाँ शर्त लगाने के लिए नहीं बिठाया हुआ। बताओ वाह याद आया बिल्ले का मोबाइल।
अच्छा बिल्ली का मुंह मैं देखता हूँ कि बिल्ली का मुंह मैं देखता हूँ मैं जूता तो पकड़ा जा हीर हीर अम्मा अम्मा आपको पता है आज यूनिवर्सिटी में एक उल्लू के पट्टे ने मेरे पे पानी गिरा दिया हाय हाय उसने पानी क्यों गिराया तेरे पे ये अमीरों के लड़के ना ऐसे ही बदतमीज होते हैं जरा तमीज नहीं है उसमें तो इस तरह के लड़कों से दूर रहा करना हैं मैं क्यों दूर रहूं उनसे वो रहे मुझसे दूर उससे मेरे पे पानी फेंका मैंने भी उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैंने उसे पानी नहीं फेंक दिया मिन्नतें कर रहा था बड़ी मेरी लेकिन आपको तो पता है ना हीर तो फिर हीर है तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हो या लड़ाइयां करने अम्मा आपको तो हर वक्त मुझसे शिकायत रहती है छोड़ूंगा नहीं तुझे तुझे फ्लू है आज रेस्ट करना चाहिए था तुझे मुझे बीमार करके यहाँ आराम से बैठी है अरे रोमियो सुनो तो अरे रोमियो तुमने मुझ पे गंदा पानी फेंक दिया अगर फेंकना ही था तो मुझ पे साफ पानी फेंक देती मुझसे पैसे लेके अच्छा तो फिर अब साफ पानी ला दो अब मैं फेंक देती हूँ तुम पर परे हट के चीको हमें फ्लू करवाना है क्या तुम्हें बिल्कुल फ्लू होना चाहिए तुम जैसी बदतमीज लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी देखो तुम वो तो देखोगे भी नहीं क्योंकि मेरे जैसे कोई है नहीं लेकिन तुम्हारे जैसे तो 36 इस कैंपस में घूम रहे दिस इज टू मच एलिफेंट 35 कर लो परे हट के चीको आओ नहीं चलते यहाँ से हम क्यों जाएं? ये जाए मैं तो नहीं जाऊंगा तुम सब लोगों को फ्लू करा के ही जाऊंगा मैं ओए चश्मा तू उधर हो तू कहीं नहीं जा अब ये तो पागल है यार चलो चलते हैं यहाँ से अरे हाँ मैं ऐसे ज्यादा पागल हूँ देख लूंगी तुझे सारे ओए फोन लगता है हीर का मोबाइल है इस मोबाइल से खुद को आई लव यू का मैसेज कर रहा हूँ खुद को नहीं कुद्दूस कुद्दूस प्रोफेसर कुद्दूस हो गया एक्सक्यूज मी आपका फोन नहीं गया ओ नो हमें ओ नो दूसरों को आई लव यू क्या प्रोफेसर कुद्दूस याद करें जरा तमीज नहीं आई लव यू आई लव यू ये तो कभी मेरी बीवी ने नहीं कहा मुझे उस्ताद बाप की जगह होता ये गई कहाँ अब जी सर आपने बुलाया ए यू मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तुम्हारी ये जुर्रत लगता है रोमी ने पानी फेंकने की शिकायत लगा दी सर ये घटिया हरकत पहले मेरे साथ हुई थी मैंने तो बस जवाब दिया पहल मैंने नहीं की ऑल ऑफ यू What do you mean by पहल मैंने नहीं की थी मतलब ये कि तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो नहीं सर मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही मैं आपको सिर्फ हकीकत बता रही हूँ मैं तो सिर्फ बदला लिया है बदला लिया अच्छा यानी पहले किसी ने तुम्हें ये मैसेज किया फिर तुमने बदला लेने के लिए मुझे ये मैसेज किया कब से चल रहा है ये चक्कर चक्कर ओह पानी का सर कल से तुमने ये घटिया मैसेज भेजा क्यों क्यों भेजा ये घटिया मैसेज खैर इतना घटिया भी नहीं था उस्ताद बाप की जगह होता है मैं तुम्हें इस हरकत पे स्पेल भी कर सकता हूं अब क्यों सर ये देखो ये मैसेज
देखो देखो क्यों भेजा ये मैसेज, ये देखो। ये मैंने नहीं किया। बाद में लड़कियां इसी तरह कहती हैं, मैंने नहीं भेजा, मेरे साथ तो अभी तक ये होता रहा है। ये अपना मोबाइल दिखाओ, देखो अपने मोबाइल को। सर ये मैसेज मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे फोन से हुआ जरूर है। श्योर? अच्छा ओके, गेट आउट। इधर आओ, इधर आओ। टॉयलर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अवारा बदमाश। प्लीज सलाम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मी इसे बताया ना मैंने इसके लिए कितना अच्छा रिश्ता देखा है। कभी सब्जी तो देखकर अच्छी नहीं लाए, रिश्ता क्या देखा होगा। वैसे भी मुझे भी शादी नहीं करनी। बड़ा पढ़ा लिखा है, दुबई में होता। अच्छा ऊँटे को ट्यूशन पढ़ाता है। वैसे इसके हिसाब से तो बीए भी बहुत पढ़ा लिखा है। हकीम साहब ने उन्हें कल बुला लिया, लड़का पसंद आ गया तो देख लेंगे। मेरे लिए खबरें ही हैं या खाने को भी कुछ मिलेगा। मुझे खाना दे दे मुझे। कल यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाना। हाय तुम्हें लड़का देखने आ रहे, मतलब शादी की तैयारियां। कई लड़के तो मुझे रोज ही देखते हैं, अब इस यूनिवर्सिटी में देखो 1,000-1,500 वैसे ही देख रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है, सबसे शादी कर लूं क्या? मैं तो शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और तुम्हें कोई शौक ही नहीं है शादी का? शादी ना शौक नहीं है, बिग बैंग है लाइफ का। डराओ तो नहीं, अगर उन्होंने लड़का पसंद कर लिया तो? सही कह रहे हैं, पढ़ाई तो दरमियान में रह जाएगी। अरे मैं वो हीर नहीं हूँ जो डोली चढ़ते ही चीख मारेगी, मैं तो भाग जाऊंगी। चश्माटू भागेगा मेरे साथ? अरे मैं तो भागने में बड़ा तेज हूँ। मैं ऐसे यूं करके यूं निकल जाऊंगा। अच्छा चल, ओवर एक्साइटेड ना हो, बैठ जा। वैसे बबल लड़के वाले तो मुझे पसंद कर ही लेंगे, कहीं मेरा रिश्ता ना तय हो जाए। इसीलिए तो कह रही हूँ उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना, बस कह देना यूनिवर्सिटी में कोई लड़का पसंद आ गया। सही बात है, ये बोलूंगी तो मेरी जान ही निकाल दूंगी। ये आइडिया ठीक है। मेरी जान निकालने का नहीं, बहाने का। लगा देना उनको ट्रक की बत्ती के पीछे। I love you, Professor साहब। तेरा होटल? आज मौसी के मार के। मैंने उसको 3 दफा समझाया, उसके बाद क्या हुआ? मैं जितनी दफा सामने आ रही है जूता उठा के मार रही है। यार समझ ही नहीं आती चाहती क्या ये लड़की। रोमियो फाइनल ईयर, फॉरेन प्रोफेसर को दूसरे आके मिले। तुम्हें प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया? मुझे लगता है हीर ने शिकायत कर दी है। चल जल्दी हो। मुझे तो नहीं बुलाया। मोटे जल्दी कर, चल मेरे। अरे मेरा बर्गर यार। एक्सक्यूज मी, स्टूडेंट्स की कमी तो नहीं ना? वेरी नाइस जी डॉक्टर साहब, यहाँ सब खैरियत है? हाँ बेटा, वेल डन, शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया? ओह यस, वेरी गुड। डॉक्टर साहब तशरीफ लाइए। रोमियो आ गया, ये हमारे
अच्छे स्टूडेंट में से। तुम्हारा जज्बा बड़ा काबिले कदर है, लेकिन अभी हम एक ही बोतल लेंगे। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। भाई, तुमने लिस्ट में नाम दर्ज कराया ना कि तुम दो बोतल जो है वो डोनेट करोगे। नहीं, मगर अभी एक ही बोतल दे दो, बाकी चार पांच महीने के बाद फिर दूसरी सी बोतल। चलो जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा नाम लिस्ट में कैसे आ गया और फिर वो दो बोतलें? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा। वो डॉक्टर साहब, ये दो बोतलें खून दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, काफी खून निकल गया, प्लीज अब बस करें। ये बोतल फुल हो गई। क्या? अब डॉक्टर साहब, ऐसा कभी हुआ है पहले कि किसी ने आपको एक बोतल खून दिया और उसको होश में लाने के लिए आपको दो बोतलें खून देनी पड़ी हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा होने वाला है। काफी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हादा हलो। बाजी, मुझे तो बीवी ऐसी चाहिए जो मेरे स्टैंडर्ड की हो। खैर से जेदी साहब दुबई में होते हैं, बड़ी तरक्की की है इसने। ये हकीम साहब, आपका कोई जान पहचान वाला मैकेनिक है? मैंने नई मोटरसाइकिल ली है, और वैसे मैं तो हर चीज ही नहीं लेता हूँ, धक्का दुक्का नहीं लगता मुझसे। घड़ी भी नहीं लगती है। वो लड़की को बुलाएं जी। हीर, जरा चाय ले आओ। मैं मिनाल 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 मिनाल, खून देने से कुछ होता तो नहीं है ना? मेरे क्लिनिक का टाइम हो रहा है, कैसे हो बेटा? मामा मामा, खून देने से कुछ होता है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं होता। ये तो ऐसे ही लोगों ने मशहूर किया हुआ है कि बंदा अगर ब्लड दे तो कमजोर हो जाता है, बल्कि एक सेहतमंद इंसान को तो 6 महीने में ब्लड देना चाहिए। क्यों प्रोफेसर राजा? प्रोफेसर साहिबा ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। रियली? ब्लड देने से कुछ नहीं होता? हाँ बेटा, तुम्हारी मामा ने कहा है तो इसका मतलब है कुछ नहीं होता। क्यों बेगम? रोमियो, तुमने कहीं ब्लड तो नहीं दे दिया है? चक्कर आए। ओह माय गॉडनेस, प्रोफेसर साहब खड़े क्या देख रहे हैं? इसका बीपी चेक करें। फरीद, ये तुम्हारे से। मामा, मुझे टेस्ट नहीं करानी, ये सारी टेस्टों की लिस्ट है। फरीद, तुम मेरी गाड़ी से ड्रिप और ड्रिप से जल्दी से निकाल कर लाओ। मेरे क्लिनिक का टाइम हो रहा है। फरीद, मुझे बीपी और पल्स पे अपडेट रखना। मुझे भी।
हीर बेटी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। माशाल्लाह शुक्र शुक्र शुक्र। जीदी साहब हीर से जरा अलग से मिलना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं, फैसला तो बच्चों ने करना है। आए वाह, शुक्र जजील व अफवन। ما شاء الله، اهلا وسهلا ومرحبا ومرحبتين يا هيل. واجبا بڑی عربی آتی ہے آپ کو تو؟ ایوہ میں تو ادھر جی عربی میں ہی باتیں کرتا ہوں، ادھر کی تو اونٹ بھی عربی سمجھتے ہیں. آپ چرواہے کے ویزے پر گئے ہیں؟ یا سلام، آپ کو بیبی نے بتا دیا؟ لیکن یا ہیل آپ نے دونوں پاؤں میں الگ الگ جوتے کیوں پہنے؟ مجھے ہر ہفتے نئے جوتے لینے پڑتے، یہ دونوں بھی پچھلے ہفتے خریدے تھے، دونوں کا ایک ایک پاؤں کہیں رہ گیا. ہاں تو دونوں کا دوسرا پاؤں کہاں ہے؟ جو لڑکا مجھ سے بہت فری ہونے کی کوشش کرتا ہے نا، میں اس کی جوتوں سے پٹائی کر دیتی ہوں. بعض لڑکے تو میرے جوتے اٹھا کر لے جاتے ہیں، میرے جوتوں کا بڑا خرچہ ہے جی. اچھا جی، تو جیدی صاحب آپ کو تو میں بالکل پسند نہیں آئی ہوں گی. لا آپ تو مجھے بہت پسند آئی ہیں. لا 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 لا، خطرہ خطرہ، ہذا غلطان، آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی. یہ ٹھیک ہے، وہاں جا کے یہی کہنا کہ تمہیں لڑکی بالکل پسند نہیں آئی. مجھے پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی بہت ضروری ہے، ہے کہ نہیں؟ لا 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 لا، سوری انا آسف. وہاں جا کے یہ کہنا لڑکی بالکل پسند نہیں آئی. اوکے ما فی مشکل، انا آسف، انا بسوی موبائل. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکرا شکرا جی. की घड़ी मुझे पूरी आई है। हाँ वापस करो मेरी घड़ी, आपकी तरफ से गिफ्ट हो गया ना। क्यों जेदी साहब, लड़की पसंद है ना तुम्हें? जी जी मुझे बहुत नहीं, मुझे लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा क्या कह रहे हो, इतनी प्यारी तो है मेरी हीर, क्या कमी है उसमें, पढ़ी लिखी है, सब कुछ तो है जी। ये बात तो है, पसंद है ना तुम्हें? जी पसंद है मुझे। तो फिर बात पक्की करें। नहीं नहीं, लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीदी क्या कह रही हो, कभी कहती हो पसंद है, कभी कहती हो नहीं है। या उम्मी, मैं आपको घर जाके बताऊंगा ना।
हाँ ठीक है, आप लोग आपस में मशवरा कर लो, सोच लो अच्छी तरह, फिर बता देना, हम भी सोच लेते हैं, हैं? इजाजत। वैसे लड़की मुझे बहुत ही नापसंद है। बहन जी बुरा मत मनाना, मुझे लड़की पसंद है। यल्ला यल्ला या उम्मी, आइए मैं आपको छोड़ आता हूं। जेदी साहब ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। जो जल्दी के वापस कर क्या जो। अम्मा 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 मुझे नहीं करनी है शादी, क्यों बुला लेती हैं वैसे लोगों को। बेटा एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना, ही लड़का पसंद आ जाए शादी बाद में हो जाएगी। है इतनी सी बात है, तो लड़का तो मुझे पसंद है यूनिवर्सिटी में। हैं जेदी तो इतना अच्छा है, अब फिर भी मैं उस लड़के से मिलूंगा, अगर मुझे पसंद आ गया तो अब्बा को मना लूंगा मैं, कल आता हूँ उससे मिलने यूनिवर्सिटी। अम्मा ये मेरी यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। क्या तुम मुझे अपने घर वालों से मिलवाना चाहती हो? हाँ। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी लड़कियां मुझे पसंद क्यों कर लेती हैं। कोई इतने स्मार्ट कोई भी लड़की तुम्हारे पे फिदा हो जाए। फिर हीर कब आऊं तुम्हारे घर? अरे तुम मेरे घर नहीं आओगे। अच्छा तुम्हारा घर आएगा। वैसे हीर अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे पसंद कर लिया तो मेरे 2 साल सुकून से गुजर जाएंगे। 2 साल? सिर्फ 2 साल? पूरी जिंदगी क्यों नहीं? अब बेटा कन इतना फास्ट फॉरवर्ड चलने की जरूरत नहीं है, अपनी स्पीड कम करो जरा। अरे घर वालों ने मुझे पसंद कर लिया, यही तो चाहते हैं हम, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने हैं। मुझे यार इसकी अम्मी को यकीन दिलाना है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। हाँ ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा। अच्छा तो एक काम करो, रिहर्सल करके दिखाओ कि तुम कैसे बोलोगे। आंटी मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उल्लू ये नहीं बोलना, कहना आंटी मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और इसको बहुत चाहता हूँ। अब फाइनल रिहर्सल, मैं दूर से आता हूँ। चलो चलो। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। शट अप। सर सॉरी सर सॉरी सॉरी सर सॉरी सर। هذا الرشك كمر هذا هو ولا هذا كذا ولا كذا لا لا اوكي انا ببدل سوي تشينج هذا اول نفر ما شاء الله حبيبي هذا اول نفر كذا ولا كذا لا لا اوكي 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 انا اسوي هذا اوكي ترتيبيشن هذا رشتي كمر انا اسوي حتف اوكي لگتا ہے پٹرول ختم ہو گیا ہے یار جیدی بھائی بھی بڑے کنجوس ہیں السلام علیکم جیدی بھائی جان بڑی لمبی عمر ہے یار آپ کی ابھی آپ ہی کو یاد کر رہا تھا میں جیدی بھائی یار وہ اربوں سے کہہ کر موٹر سائیکل کی ٹنکی سے فل کروانا تھی نا یار دیکھو موٹر سائیکل کی ابھی رننگ پوری نہیں ہوئی
हाजा खतर, दो बंदे ना बैठना है। एक अरे आप फिक्र ही ना करें जेदी भाई, दो बंदे नहीं है। ओ जेदी भाई, हीरबाजी की यूनिवर्सिटी आया हुआ मैं। हाँ, तो आपकी नई मोटर बाइक है ना, रोक पड़ेगा उन पर। ओके ओके, अलहीर अलहीर, बाजी को मेरा सलाम कहना। हाँ जी। ना, गलतून गलतून, अपनी बाजी को मेरा सलाम कहना। हाँ اوكي احسنت احسنت اوكي اوكي يلا باي باي هذا اول نفر هذا اوكي نفر اوكي سائنس کا اصول ہے موٹر سائیکل کو زمین پر لٹانے سے اس میں پیٹرول پیدا ہو جاتا ہے سٹارٹ کرو देखा स्टार्ट हो गई ना, चले बैठो आ जाओ। को तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, कार्ड दिखाओ। मेरी बहन पढ़ती है यहाँ, उससे मिलना है। मेरी भी, मेरी भी, मेरी भी। बस तुम में से एक बंदा जा सकता है अंदर। अस्सलाम वालेकुम साहब। चाचा क्या हाल है? बेटी की शादी का कहा था ना, ये उसके लिए कुछ रुपए। शुक्रिया साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। बाजी की यूनिवर्सिटी में बड़े अमीर लोग पढ़ते हैं यार। एक दो तीन चार, कुंजियां गिन रहे हो मियां? जाओ अपनी बहन से मिल लो, बाकी नहीं जा सकते कोई भी। देख लेते हैं उसको भी, किस खेत की मूली है वो। ठीक है, देख भाई, जैसे मैं तुम लोगों से कहूँ ना, तुम लोगों ने उसे मारना शुरू कर देना। सही है, मारना क्यों है अफलातून? अबे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखने की? हाँ भाई, हो सकता है उठाकर नहीं, आंख झुकाकर देखता हूँ। अबे उसकी आंखें निकाल लूंगा मैं। हाँ, इस तरह तो बहनोई जी अंधे हो जाएंगे। अबे बहन से शादी होगी तो बहनोई बनेगा ना अफलातून। हम उसे इस तरह मारेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देख भाई बात सुन, हम यहाँ सांप मारने नहीं आए, मेरी बहन को जो लड़का वरगलाता है ना उसे मारने आए। बेशक लाठी टूट जाए। तुम यहाँ खड़े हो क्या कर रहे हो? जाओ जाके बाजी को ढूंढो। यूनिवर्सिटी तो टाइट है यार, चलो देखते हैं। अफलातून तुम कैंपस में क्या कर रहे हो? वो अम्मा ने कहा था लड़के को देखकर आना है। किधर है लड़का? ये है ना लड़का। वो अम्मा ने कहा था तस्वीर भी लेकर आना। Show me your